हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रत्नेश्वर सर आप सभी को विद्या स्टडी पॉइंट्स में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और मैं जो पढ़ाया था आपको, आप सभी को, वो फॉर्मूला आप लोग बहुत बढ़िया से याद कर लिए होंगे। अतः हम आपसे चाहते हैं कि आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए बातों को अच्छे तरीका से समझें और ध्यान पूर्वक पढ़ें, क्योंकि बिना ध्यान के आपको समझ में कम आएगा और हम चाहते हैं कि आपको 100% समझ में आए दोस्तों। तो चलिए मैं एक बार फिर से फॉर्मूला आप लोगों को रिवीजन करा देता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को आज क्वेश्चन कराने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन कराएंगे जो आपको सीखने में बहुत मजा आएगा दोस्तों। चलिए मैं पहला फॉर्मूला बता देता हूँ एक बार रिविजन के तौर पर। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन बराबर फॉर्मूला होता है एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। डिफरेंशिएशन ऑफ कोफिशियंट, किसी भी कोफिशियंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? जीरो। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का वैल्यू कितना होता है? वन। डिफरेंशिएशन ऑफ वन बाई एक्स का वैल्यू होता है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ वन बाई एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू होता है माइनस एन बाई एक्स टू दी पावर एन प्लस वन, जहां एक्स जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बाई टू रूट एक्स। ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई टू दी पावर एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बाई एक्स। ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई। डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। दोस्तों, आप लोग को बताए थे कि जहां सी से रहेगा तो आप पहले माइनस लगा देंगे, उसके बाद चेंज कर देंगे दोस्तों। नेक्स्ट फॉर्मूला आप लोग को बताए थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स बराबर होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक्स एक्स इक्वल टू होता है माइनस कोसेक्स इंटू कॉट एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का होता है माइनस, इसी को लगा करके सिर्फ खाली अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस में था यहाँ माइनस में है। टेन इनवर्स एक्स का होता है वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, जो यहाँ रहता है उसी का स्क्वायर हो जाता है। कॉट इनवर्स एक्स भी सेम टू सेम है, बस खाली माइनस लग जाएगा। सेक इनवर्स एक्स का होता है वन बाई मॉडुलस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। उसके बाद कोसेक इनवर्स एक्स का भी वही है, बस सिर्फ खाली माइनस में लगा देना है। नेक्स्ट फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे फंडामेंटल रूल्स, ठीक है दोस्तों। तो बताए थे फंडामेंटल रूल्स में कि किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन करते हैं वो जीरो होता है, और कांस्टेंट और वेरिएबल का जब प्रोडक्ट रहे तो उसका डिफरेंशिएशन पहले कांस्टेंट को बाहर कर देना है, उसके बाद वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद यदि दो वेरिएबल यदि प्लस में रहे और उसको डिफरेंशिएट करना रहे तो अलग अलग कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ यू प्लस वी का डिफरेंशिएशन होता है डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। यू माइनस वी का सेम टू सेम वही है, बस प्लस था तो प्लस माइनस था तो माइनस। यू इंटू वी, यू इंटू वी बताए थे दोस्तों कि यदि दो वेरिएबल रहे तो पहले एक को कांस्टेंट मानिए और एक को वेरिएबल मानिए। तो एक बार हम वी को कांस्टेंट माने हैं, यू को वेरिएबल माने हैं, तो कांस्टेंट माने उसको बाहर कर दिए और वेरिएबल को डिफरेंशिएट किए। फिर एक बार गुना में है तो प्लस होगा, और यू को एक बार अभी कांस्टेंट मानेंगे और वी को डिफरेंशिएट करेंगे वेरिएबल मानते हुए, तो फॉर्मूला होगा यू इंटू वी का ई वी इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। नेक्स्ट बताए थे दोस्तों यू बाई वी का कि वी पहले नीचे वाला को क्या करना है, बाहर करना है, ऊपर वाला को डिफरेंशिएट करना है, फिर माइनस देना है, फिर ऊपर वाला का कांस्टेंट रखना है, नीचे वाला को डिफरेंशिएट करना है,
और जो नीचे होगा उसका डिवाइड दे देना है स्क्वायर से दोस्तों। तो चलिए मैं पूरा आप लोगों को एक बार पुनः हम रिवीजन करा दिए फॉर्मूला। अब आते हैं हम लोग दोस्त क्वेश्चन पर। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत बढ़िया से ध्यान पूर्वक देख रहे होंगे ताकि आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा दोस्तों। चलिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 4x के पावर 3 प्लस 5x माइनस 6। आपसे पूछ रहा है फाइंड dy by dx। तो dy ऊपर में dy यानी कि डिफरेंशिएशन किसको करना है, y को करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, यानी डिफरेंशिएशन करना है y को x के रिस्पेक्ट में। तो दोस्तों हमको तो सिर्फ y दिया हुआ है, अगर हम डिफरेंशिएट कर दें y को डिफरेंशिएट कर दें x के रिस्पेक्ट में तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो उसको देर क्यों किया करें हम करते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों डिफरेंशिएट both sides with respect to x। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, यानी दोनों दने यदि हम डिफरेंशिएशन कर दें तो हमको dy by dx मिल जाएगा दोस्तों। तो इधर y है तो इसमें d बटा हम dx से कर दिए, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए तो किसको कर रहे थे, y को। तो y को यहाँ लिख दीजिए यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यदि LHS में हम x के रिस्पेक्ट में किए हैं तो RHS में भी x के रिस्पेक्ट में करेंगे, और जितना RHS में लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए दोस्तों। तो x टू द पावर 4 प्लस 4x के पावर क्यू प्लस 5x माइनस 6। हमको दोस्तों dy by dx तो मिल गया लेकिन हमको RHS को सॉल्व कर देंगे तब हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि कैसे निकलेगा। तो देखिए दोस्तों हम बताए थे कि प्लस प्लस माइनस, जब प्लस रहे तो प्लस करके यानी अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अलग अलग लिख दीजिए दोस्तों d बटा dx, पहले x के पावर 4 को अलग कर दिए, प्लस है तो प्लस लिखिए, फिर d by dx, फिर यहाँ 4x के पावर q है इसको लिखिए, प्लस है तो प्लस लिखिए, d बटा dx, यहाँ कितना है दोस्तों 5x, उसके बाद क्या है दोस्तों माइनस डी वाई डी एक्स, उसके बाद क्या है दोस्तों 6। अब बात करते हैं दोस्तों कैसे होगा। तो आपको बताए थे ये देखिए फॉर्मूला क्या है, x टू दी पावर n, तब बताए थे कि पावर बाहर और जितना पावर है उसमें से एक कम जाएगा, तो चार बाहर करेंगे तो कितना 4, और एक पावर घटा देंगे तो x के पावर कितना हो जाएगा 3, यानी कि इसको डिफरेंशिएशन किए तो आया 4x क्यू, प्लस है तो प्लस लिखिए, यहाँ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट और वेरिएबल जब रहता है दोस्तों तो क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर करते हैं, यानी कि 4 इंटू, अब x क्यू का डिफरेंशिएट करेंगे, 4 इंटू कर दिए, उसके बाद हमको x क्यू का डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ लिख देंगे x क्यू दोस्तों। मैं आप लोगों को दम बहुत तोड़ के बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आए दोस्तों। प्लस यहाँ देखिए 5 इंटू x है, 5 क्या है कांस्टेंट, x क्या है वेरिएबल, तो 5 को बाहर कर दीजिए तो 5 इंटू डी बटा डी एक्स, ऊपर में वेरिएबल को करना है दोस्तों डी एक्स हो गया, माइनस ये डी कांस्टेंट है और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है दोस्तों 0 होता है। नेक्स्ट 4 एक्स के पावर क्यू प्लस ये 4 है दोस्तों, तो 4 और इसको जब डिफरेंशिएट करिएगा तो 3 बाहर आएगा, तो 3 जब बाहर आएगा तो 4 में 3 से गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 4 × 3 = 12, और एक पावर इसको कम जाएगा यानी एक्स के पावर कितना दोस्तों 2, फिर इसको प्लस है तो प्लस, अब 5 है तो 5 इंटू एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन आपको बताया था कितना दोस्तों 1, यानी कि आपको मिल गया 4x क्यू प्लस 12x²
प्लस फाइव। दोस्तों ये आप लोगों को आंसर मिल गया, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोस्तों मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, एक्स टू दी पावर फोर प्लस 4x क्यूब प्लस 5x माइनस 6 था, तो पहले एक अलग अलग कर दिए दोस्तों, तो x के पावर 4, 4x क्यूब 5x माइनस 6। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको पावर बोले थे कि x टू द पावर n है, तो 4 बाहर कर देंगे, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए 1 पावर घटा देंगे, यानी 4x क्यूब प्लस यहाँ कांस्टेंट है दोस्तों, तो 4 बाहर हो गया, x क्यूब को वेरिएबल है तो अलग डिफरेंशिएट कर दिए, प्लस 5 यहाँ है कांस्टेंट, x है वेरिएबल तो x को डिफरेंशिएट कर दिए, यहाँ 6 है, 6 का डिफरेंशिएशन 0 होता है दोस्तों। अब 4x क्यूब प्लस अभी इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, क्योंकि 3 बाहर होगा, 4 में 3 से गुना करेंगे 12, एक पावर घटा देंगे तो x स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, यानी 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 5। दोस्तों मैं पूरा जानता हूं कि आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x प्लस 3 कॉस x माइनस 1 बाई साइन x, देन फाइंड dy बाई dx। आपको dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx कब बनेगा ये दोस्तों, इसको चाहें तो एक लाइन और हम लिख सकते हैं शॉर्ट में, y इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करके छोटा कर लीजिए दोस्तों, तो अलग अलग डिवाइड दीजिएगा, तो दीजिएगा तो कितना लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर x बाई साइन x प्लस 3 कॉस x बाई साइन x प्लस माइनस 1 बाई साइन x। दोस्तों ऐसा लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, साइन x से एगो साइन x कटेगा, तो इसको लिखेंगे 2 और ऊपर में बचेगा साइन x, तो लिख देंगे 2 साइन x प्लस 3 कॉस x बटा साइन x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट x। आप जानते हैं कि कॉट x बराबर होता है कॉस x बटा साइन x माइनस 1 बाई साइन x, ऊपर ले जाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कॉस x, इसको कॉस x लिख सकते हैं। अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोस्तों, तो क्या लिखेंगे dy बाई dx प्राप्त करने के लिए, लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, देन हम लोग लिखेंगे ऐसा, यानी कि दोनों तरफ हम लोग को डिफरेंशिएट करने पर x के रिस्पेक्ट में, तो x यानी कि d बटा dx लिखेंगे, किसको कर रहे हैं तो y को, यानी dy by dx इज इक्वल टू, तो इधर भी लिखेंगे d बटा dx, और जितना था उतना लिख दीजिए दोस्तों, यानी कि 2 sin x प्लस 3 cot x माइनस cosec x, यही ना लिख सकते हैं दोस्तों, इतना लिख सकते हैं। अब हमको dy by dx बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं है दोस्तों, तो ये देखिए 2 कांस्टेंट है, तो 2 को बाहर रख दीजिए और अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिख देंगे यहाँ पर क्या दोस्तों, d बटा dx, और इसको लिख सकते हैं sin x, प्लस है तो प्लस, 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर रखिए और अलग अलग डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, cot x माइनस डी बटा डी एक्स, ये है दोस्तों कोची कोसेक एक्स। अब बात करते हैं दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोसेक एक्स प्लस है, लेकिन कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तब प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस 3 है तो 3 कोसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन बताए थे कोसेक स्क्वायर एक्स दोस्तों, यानी माइनस 3 कोसेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ क्या है दोस्तों, कोसेक एक्स और कॉस सी लगल है, तो एक और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कोसेक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोसेक माइनस कोसेक्स इंटू कॉट एक्स, तो माइनस माइनस यहाँ क्या होता है जो प्लस, यानी कि लिखेंगे कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा दोस्तों। यदि नहीं समझ में आया अच्छा से, थोड़ा थोड़ा रह जाए, तो आप पुनः दोबारा वीडियो देख लें, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, लिखा हुआ है
फाइंड डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यू इंटू टेन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में हमको इतना का डिफरेंशिएशन करना है। यानी कि मान लेते हैं कि ये वैल्यू जो है किसी न किसी वेरिएबल के बराबर होगा, तो लिखेंगे लेट वाई इज इक्वल टू एक्स के पावर क्यू इंटू टेन एक्स। अब पूछ रहा था क्या एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो लिखेंगे दोनों दाने डिफरेंशिएट कर देंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स देन, यानी कि दोनों दाने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर, तो इधर लिखेंगे डी बटा डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया, किसको रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई को, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, तो इधर भी कर दीजिए डी बटा डी एक्स कितना दोस्तों एक्स के पावर क्यू इंटू टेन एक्स। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये देखिए एक एक्स क्यू है और ये टेन एक्स है, तो आपको फंडामेंटल रूल्स बताए थे, इसको समझिए ये क्या है अलजेब्रा है और ये क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और ये अलजेब्राइक फंक्शन है, तो दो फंक्शन जब लग गया यानी यू और इसको समझिए भी, तो यू इंटू भी का फॉर्मूला बताए थे कि एगो के वेरिएबल मानिए और एगो को कांस्टेंट मानिए, तो हम पहले टेन एक्स को कांस्टेंट मानते हैं तो एक्स क्यू को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एक्स क्यू को कांस्टेंट मानेंगे तो टेन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। दोस्तों यू इंटू भी पर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार देखिए टेन एक्स को कांस्टेंट माने तो एक्स क्यू को वेरिएबल माने, अभी एक्स क्यू को कांस्टेंट माने तो टेन एक्स को वेरिएबल माने, और ये दोनों दो आदमी है दोनों को बारी बारी से हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। दोस्तों अब बात करते हैं, ये हो जाएगा कितना टेन एक्स इंटू एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन, पावर बाहर एक्स टू दी पावर एन है यानी कि थ्री बाहर और एक पावर घटा दीजिए यानी कि थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू इंटू टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। दोस्तों तो अगला लाइन में देखिए ये अलजेब्रा है तो थ्री एक्स स्क्वायर बाहर कर दीजिए यानी कि थ्री एक्स स्क्वायर टेन एक्स, थ्री एक्स स्क्वायर टेन एक्स प्लस एक्स क्यू सेक स्क्वायर एक्स। दोस्तों ये हो गया आप लोगों का आंसर, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आना चाहिए दोस्तों आप लोग को बनाने के लिए, आप पहले एक बार वीडियो देख लेंगे उसके बाद क्वेश्चन को देखकर अपने से बनाने की कोशिश करेंगे, जब आप अपने से नहीं बनता फिर वीडियो देखिए, फिर नहीं बनता फिर वीडियो देखिए, एक बार आपको एकदम अपने से बन जाएगा दोस्तों, तो आप कोशिश करिए जरूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, इफ वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स देन फाइंड डीवाई बाई डी एक्स, यानी कि हमको डीवाई बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या करेंगे दोस्तों लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दोस्तों दोनों दाने डिफरेंशिएशन करने पर, तो इधर जब करेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों डीवाई बाई डी एक्स, तो इधर भी लिखेंगे डी बटा डी एक्स, जितना है उतना लिख दो दोस्तों, जितना है यानी कि एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स। दोस्तों अब बोले थे कि माइनस है, यहाँ देखिए इतना अलग है माइनस इतना है यानी अलग अलग कर दीजिए, यानी कि डी बटा डी एक्स एक्स लॉग एक्स माइनस डी बटा डी एक्स एक्स को डिफरेंशिएशन करना है, अलग अलग कर दिए दोस्त। अब यहाँ देखिए ये लॉगरिथमिक फंक्शन है और ये अलजेब्राइक फंक्शन है यानी यू इंटू भी, इसको समझिए यू और इसको समझिए भी, तब बताए थे फॉर्मूला भी बाहर यानी भी बाहर यानी कि क्या लॉग एक्स बाहर, और एक इसको कांस्टेंट समझें तो इसको वेरिएबल करके डिफरेंशिएट कर दीजिए प्लस गुना में है यानी प्लस, अभी एक्स को बाहर रखेंगे तो लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, माइनस लॉग एक्स डी एक्स डी एक्स बाई डी एक्स यानी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना दोस्त वन,
आपको बताए थे कि x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 होता है, यानी कि log x इंटू dx इंटू 1, यानी कि 1 x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x इंटू log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई x, x से x कटेगा माइनस 1। अब यहाँ देखिए x इंटू 1 बाई x, x से x कटा, यहाँ बचा 1 और यहाँ माइनस 1, तो ये 1 और ये माइनस, ये प्लस 1, ये माइनस 1 कट गया दोस्त, तो बचा क्या हमको, सिर्फ बचा log x दोस्तों, ये log x आपका आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, इफ y इज इक्वल टू 3x के पावर 5 प्लस 3x क्यू माइनस 5 फाइंड dy by dx, तो हमको क्या करना है दोस्तों, हमको dy by dx निकालना है, तो जैसे कैसे निकलेगा, तो दोनों ओर डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x देन, तो दोनों दने डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, dy by dx, y को किए हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो RHS में भी वही होना चाहिए दोस्तों, जितना है उतना लिख दीजिए, यानी 3x के पावर 5 प्लस 3x क्यू माइनस 5 दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे, तो 3 इंटू, अब इसको क्या लिखेंगे, d बटा dx, x के पावर 5 प्लस है तो प्लस, कांस्टेंट है 3 बाहर, d बटा dx, ये कितना दोस्तों, एक्स क्यू माइनस डी बटा डी एक्स, ये है 5, तक आप तो जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। इसको जब आप करेंगे दोस्तों, तो इसको जब आप करेंगे तो लिखेगा 3 इंटू ये 5 बाहर, यानी कि 5 इंटू एक्स के पावर 4, एक पावर घटा देना है, तो इतना हो जाएगा 3 इंटू एक्स के पावर 3 बाहर, तो एक्स के पावर कितना हो जाएगा 2, एक घटा देंगे तो माइनस, इसका डिफरेंशिएशन 0, यानी अगला लाइन में आ गया, 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15 एक्स के पावर 4 प्लस 3 9 9 एक्स स्क्वायर, यही हो गया क्या दोस्त, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, इफ वाई इज इक्वल टू 5x के पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बाई x फाइंड dy बाई dx, तो dy बाई dx यानी y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, कैसे करेंगे दोस्त, तो पहले इसको क्या करेंगे, सिंपलीफाई कर दीजिए, तो आगे इसको और लिख सकते हैं क्या दोस्तों, अलग अलग जब डिवाइड दे देंगे तो x कटेगा, कर दीजिए तो 5x के पावर 4 बाई x प्लस 6x स्क्वायर बाई x माइनस x बाई x प्लस 1 बाई x, अलग अलग कर दिए दोस्त, ये कट के 1 आ जाएगा, यहाँ से एक गो कटेगा, यहाँ से भी एक गो कटेगा, यानी अगला लाइन में बचेगा 5x के पावर 3, यहाँ की 4 पावर में से एक कटेगा तो 3 पावर बचेगा, प्लस यहाँ से बचेगा 6x माइनस 1 और प्लस 1 बाई x। अब हमको क्या करना है दोस्त, दोनों ओर डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर क्या लिखेंगे, dy by dx, हम डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं लिख रहे हैं दोस्तों, आप समझिए दोनों डिफरेंशिएट कर दिए, यानी dy by dx, तो इधर भी कर दीजिए, तो लिखेंगे dy dx, यहाँ क्या लिखेंगे 5x क्यू, अलग अलग डायरेक्ट करके लिख दे रहे हैं दोस्तों, 5x क्यू प्लस dy dx 6x माइनस dy dx 1 प्लस dy dx 1 by x दोस्तों। अब क्या कर सकते हैं इसको, तो dy by dx का वैल्यू जो हमको आएगा, इसको देखिए दोस्तों, ये 3 बाहर होगा और 5 पहले से कांस्टेंट है, तो गुना होगा यानी 15 एक पावर घटा देंगे तो 15x स्क्वायर, यहाँ देखिए 6 है और यहाँ x है 1 पावर, तो 1 में गुना करेंगे यानी 6 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, यानी कि कितना दोस्तों प्लस 6, और ये देखिए दोस्तों 1 है, 1 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, प्लस 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बाई
एक्स स्क्वायर दोस्तों माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, और यही हुआ आपका आंसर दोस्तों। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत बढ़िया से बेहतर तरीका से समझ रहे हैं, आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं सातवां, इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस वन बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो इसका हमको डीवाई बाई डी एक्स निकालना है दोस्तों। ये y इज इक्वल टू और क्या तोड़ के लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a के स्क्वायर, a के स्क्वायर लिखिए यानी कि x प्लस बी के स्क्वायर यानी कि वन बाई एक्स प्लस टू इंटू रूट एक्स इंटू वन बाई रूट एक्स, एक्स एक कट गया यानी हमको बच गया कितना दोस्त, एक्स प्लस वन बाई एक्स। अगला लाइन में क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस टू। अब हम क्या लिख सकते हैं, डीवाई बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x देन दोस्तों, तो दोनों ओर डिफरेंशिएट करिएगा तो यहाँ आएगा dy बाई डी एक्स। इधर भी लिखिएगा तो इसको x का डिफरेंशिएशन करिएगा यानी कि डी बाई डी एक्स यहाँ लिखिएगा x प्लस डी वाई बाई डी एक्स यहाँ लिखिएगा वन बाई एक्स प्लस डी वाई डी एक्स यहाँ लिखिएगा टू। अब अगला लाइन में क्या लिख सकते हैं दोस्त, x का डिफरेंशिएशन होता है वन माइनस, माइनस क्यों लिखे दोस्तों, प्लस लिखते हैं लेकिन वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू यानी टू का डिफरेंशिएशन जीरो, तो जीरो नहीं लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इसका जो आंसर डीवाई बाई डी एक्स क्या आया, ये इतना आया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ये है y इज इक्वल टू ई टू द पावर x टेन x प्लस वन बाई टेन x फाइंड डीवाई बाई डी एक्स, हमको डीवाई बाई डी एक्स यहाँ भी ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दीजिए ताकि आपको सॉल्व करने में डिफरेंशिएट करने में आसानी हो दोस्तों। तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, e टू दी पावर x टेन एक्स बाई टेन एक्स प्लस यहाँ अलग लिखेंगे तो वन वन बाई नीचे टेन एक्स, तो इतना लिख सकते हैं दोस्तों। ये टेन एक्स एक टेन एक्स कटेगा यानी अगला लाइन में हम लिख सकते हैं e टू दी पावर x प्लस वन बाई टेन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्त, कॉट एक्स। अब हमको पूछ क्या रहा था, डीवाई बाई डी एक्स यानी कि y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x दोस्तों देन, तो कर दीजिए यानी कि यहां लिखेंगे dy बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स, तो इधर भी लिख दीजिए डी वाई डी एक्स, इधर जितना है इसको लिख दीजिए e टू दी पावर x प्लस cot x यानी कि हमको इतना का डिफरेंशिएशन करना है। अब इसको अलग अलग कर दीजिए दोस्तों, तो लिखेंगे d बटा डी एक्स e टू दी पावर x प्लस d बटा डी एक्स cot x, इतना हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों। अब आपको बताए थे कि e टू दी पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है x x यानी e टू दी पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e टू दी पावर x होता है प्लस है, हाँ हाँ दोस्तों प्लस लिख दीजिए, cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, इतना होता है दोस्तों। अब इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर x प्लस माइनस माइनस cosec स्क्वायर x दोस्तों। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत बढ़िया से समझे होंगे और ये आंसर आएगा। आपको कोई भी दिक्कत हो दोस्तों आप फिर से उस वीडियो को देखें, फिर से फॉर्मूला को देखें और तब पढ़ें, और पढ़े तो जरूर कॉपी पर लिखें और अपने से बनाने की कोशिश करें, आपको पक्का समझ में आएगा दोस्तों। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं। यदि जो स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले दोस्तों, ताकि मैं और भी बेहतर तरीके से आप सभी को बीच में आऊं और पढ़ाने की कोशिश करूं दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों।